अहन पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर थर सुनकर उनका नाम रे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत को जानेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, जो आगे चलकर दुनिया के नॉन वायलेंस का सिंबल बने और भारत की आज़ादी के चैम्पियन थे। गांधी जी का सफ़र दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने सत्याग्रह की फ़िलासफ़ी दुनिया को दी। वहाँ वो 21 साल तक रहे। इन 21 सालों में उन्होंने वहाँ पर 2 आश्रम भी बनाए, फॉइनिक सेटलमेंट एंड टॉलस्टॉय फार्म। 1915 में गांधी जी वापस भारत लौटते हैं और जल्द ही वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तस्वीर बन जाते हैं। चंपारण मूवमेंट। बिहार का चंपारण मूवमेंट गांधी जी का इंडियन फ्रीडम पॉलिटिक्स का फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ उन्होंने नॉन वायलेंटली इंडिगो फार्मर्स को कंसेशन दिलाने में मदद करी। दी खेड़ा मूवमेंट। गुजरात का एक गांव खेड़ा फ्लड से बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था, जिसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सली किसानों से टैक्स कलेक्ट कर रही थी, जिसके लिए गांधी जी ने आंदोलन करके 1918 में इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा किसानों का टैक्स माफ कराया। द खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट ने गांधी जी को नेशनल लीडर बना दिया। इस मूवमेंट ने दुनिया भर के मुस्लिम्स अपने खलीफा की सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, इसमें गांधी जी ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, जिससे इंडियन मुस्लिम्स भी गांधी जी का सपोर्ट करने लगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें हिला दी थी, जिसके बाद पूर्ण स्वराज जैसी विचारधाराएं सामने आईं। सॉल्ट मार्च, जिसे डांडी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1928 में कोलकाता के कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की फिलॉसफी को पेश किया, जिसके बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हमारा नेशनल फ्लैग फहराया गया और 26 जनवरी को इंडियन इंडिपेंडेंस डे घोषित करा गया। मार्च 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सॉल्ट टैक्स की वजह से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू करा। उन्होंने अहमदाबाद से डांडी तक पैदल यात्रा करी और वहां जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और वहां नमक बनाया, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो इंडियंस को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चाहते थे, और गांधी जी ने रिक्रूटमेंट को तब तक शुरू नहीं होने दिया जब तक उन्हें ब्रिटिशर्स से पूरी तरह एश्योरिटी नहीं मिली कि वॉर के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया को आज़ाद कर देंगे। रोल इन इंडिपेंडेंस। आंदोलन, अनशन, अहिंसा और सत्याग्रह, इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो कर महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराया। उनका जीवन और उनकी टीचिंग्स आज भी एक इंस्पिरेशन है। द लास्ट डे। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी बिरला हाउस में शाम को सामूहिक प्रार्थना करने प्रार्थना मंडप की तरफ जा रहे थे, तब 35 वर्षीय नथुराम गौडसे ने अपनी बंदूक से गांधी जी पर 3 फायर करे, जिसने न सिर्फ गांधी जी की जान ली बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं को भी मार दिया। गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे देश के प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत वैल्यूबल हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान आज भी महात्मा गांधी से है। अमेरिका, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और भी कई देशों की संसद में आपको हमारे राष्ट्रपिता की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस जीवनी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। याद रखें, अहिंसा से दुनिया बदली जा सकती है। धन्यवाद।